नमस्कार, मैं विद्या झा सालपा किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची के पकोड़े। के लिए हम सबसे पहले ये ग्रीन जो चिली है इसको वॉश करके रख लिए हैं, और 6 से 7 बॉयल पोटैटो। अब ये जो ग्रीन चिली है इसको बीच से कट करेंगे, चीरा लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसमें जो बीज है उसको स्पून की सहायता से, नहीं तो नाइफ की सहायता से निकाल लेंगे, वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, कढ़ाई गर्म कर रखी है मैंने गैस पे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधी चम्मच मैंने राई डाल दी काली वाली, 2 पिंच हींग डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये जो मैंने बॉयल पोटैटोज रखा था उसको मैश करते हुए डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर थोड़ा सा ही देंगे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत तीखी रहती है मिर्ची, तो मैंने उस हिसाब से चिली जरा सा दिया है। अब देखिए अब इसमें हम स्वादानुसार सॉल्ट ऐड करेंगे, जितना पोटैटो है उस हिसाब से आप सॉल्ट ले लीजिएगा। मैंने 10 से 12 चिली है उस हिसाब से पोटैटो बॉईल किया था, 6 to 7। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर से नीचे चलाते हुए ताकि वो तले में लगे नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, 3/4 स्पून, और आप चाहे तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून, ये देखिए। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं शुगर को, वैसे फ्लेवर अच्छा आ जाता है, खट्टा मीठा नमकीन। अब इसमें हमने ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स थोड़ा सा ऐड कर दिया है, ये देखिए ये मैंने ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं। अब लास्ट में जो है इसमें हम पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर लास्ट में अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, अमचूर पाउडर जरा सा देंगे, 1/2 टेबल स्पून, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद उसे 5 से 7 मिनट तक चलाएंगे ताकि आलू और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये खाने में बहुत चटपटा लगता है, इसे बच्चे बूढ़े जवान सभी बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए ये मैंने अब पकौड़े की तैयारी कर रखी है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना इस तरह से मैंने उसके बीज हटा रखे हैं। अब ये जो पोटैटो है उसको उसमें जो मिर्ची मैंने कट करके रखा था उसमें भरेंगे, लेकिन उसके पहले हम घोल बनाएंगे बेसन का। तो ये मैंने अपने हिसाब से बेसन ले लिया है, जितनी मिर्ची है उस हिसाब से आप बेसन की क्वांटिटी लेंगे। ये मैंने 2 बॉल के बराबर बेसन लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हींग 1 पिंच, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकोड़े में। सॉल्ट स्वादानुसार देंगे, जितना बेसन का घोल है उस हिसाब से दीजिएगा क्योंकि आलू के फिलिंग में भी है सॉल्ट। और ये मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अजवाइन डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, ये देखिए ये इसका घोल बनाएंगे। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको इसका पेस्ट कैसा होना चाहिए। इसको अच्छे से फेंटिए, और जब ये अच्छे से फेंट ले, ये देखिए इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। आइए तब तक हम इसका फिलिंग कैसे करते हैं मिर्ची का बता रहे हैं, ये देखिए इस तरह से मिर्ची में मैंने मसाले भर दिए हैं, सारे मिर्चियों में इसी तरह से भर के हम रख लेंगे। और वो जो बेसन है उसमें हम कुरकुरापन ज़्यादा आए बेसन में, इसलिए थोड़ा सा जो तेल हम गरम किए हैं पकोड़े तलने के लिए उसमें से 3 to 4 स्पून ऑयल डाल देंगे गरम, इससे बहुत खास्ता बनता है।
ये देखिए इस तरह से मिर्ची को हम लपेटेंगे बेसन के घोल में और डंठल पकड़ते हुए उसको ऑयल में धीरे से तलने के लिए डालेंगे। इस तरह से मैंने दूसरी तीसरी जितनी भी मिर्चियाँ आएंगी उतना आप डाल लीजिए और इसको सुनहरी होने तक अच्छे से तलें। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए कि इस तरह से अब हम पलटाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद पलटिएगा। ये देखिए लग रहा है ना मस्त देखने में। आप भी इसे खाइए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगे। धन्यवाद।